22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिसको लेकर मुजफ्फरपुर में भी जश्न की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि पूरा शहर राममय हो चुका है, लेकिन उसमें किसी तरह की परेशानी न हो इसलिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर आज मुजफ्फरपुर के सिटी SP अरविंद प्रताप सिंह व टाउन SP अवधेश सरोज दीक्षित के नेतृत्व में सैकड़ों फोर्स के साथ शहर के सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में SP टाउन, कई थाना के थानाध्यक्ष समेत सैकड़ों की संख्या में पुलिस कर्मी मौजूद रहे। फ्लैग मार्च SP कार्यालय से निकाला गया और इसके साथ ही SDPO के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में भी फ्लैग मार्च निकाला गया। असामाजिक तत्वों पर भी विशेष रूप से नजर रखी जा रही है। सामाजिक सौहार्द बिगड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भैया तेरा लोगो ढंग बस में पहुंच गई। और लोगो लोगो नहीं गा भाई, लोगो टाइम ना पीछे कर, पीछे कर। कल मुख्यालय स्तर से चीफ सेक्रेटरी सर की और DGP सर की कल VC हुई थी, उसमें जो भी हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं, आज साइमल्टेनियसली सभी थानों में शांति समिति की मीटिंग चल रही है। जो चिन्हित स्थान और संवेदनशील स्थान है वहां पर फ्लैग मार्च और रूट मार्च हम लोग कर रहे हैं। सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में ये फ्लैग मार्च हो रहा है। नगर थाना में मैं और SP टाउन हम लोग जा रहे हैं और अभी आज ये फ्लैग मार्च करेंगे। जो भी इस प्रकार के स्थान हैं, जो भी जुलूस किसी स्थान पर यज्ञ हो रहा है या किसी भी प्रकार का आयोजन हो रहा है, ऐसे सभी लोगों से इंटीमेशन लिया गया है और उन लोगों को शांतिपूर्वक अपना कार्यक्रम करने के लिए अभी तक हम लोग अपना संपर्क स्थापित कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का जुलूस अनरेगुलेटेड ना हो, उसको जुलूस की शर्तों के तहत ही हम लोग लाइसेंस दें, इसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ज़िले में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में जो भी ज़िले में संवेदनशील स्थान है उनको चिन्हित कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है, तो जो भी हम लोगों को निर्देश मिले थे उनके आलोक में हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं और बिहार पुलिस का और मुजफ्फरपुर पुलिस का पूरा प्रयास रहेगा कि कल और आने वाले दिनों में शांतिपूर्वक सभी प्रकार के आयोजन संपन्न हों। विशेषकर भड़काऊ पोस्ट के लेकर सर सोशल मीडिया पर किस तरह से, देखिए आपको पता है पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया टीम्स सक्रिय हुई हैं और उसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम आए हैं। सभी जिलों के स्तर पर सोशल मीडिया पर निगरानी की जा रही है, किसी भी प्रकार के भड़काऊ पोस्ट को सोशल मीडिया से तत्काल हटाने की भी कार्रवाई की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोगों के अपने संदेश हैं वो हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से पहले ही शेयर कर रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भौतिक रूप से या सोशल मीडिया पर वर्चुअल रूप से अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है और किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाने की, किसी भी प्रकार की भड़काऊ पोस्ट को शेयर करने की कोशिश करता है, तो हम लोग तत्काल FIR करके अविधि सम्मत कार्रवाई करेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर।